चलो करें स्टार्ट. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में ही मैंने आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखवाई थी. ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के साथ एक लास्ट प्रॉपर्टी और लिख लो, वो मैं सिर्फ स्टेट करूंगी, प्रूव करना आपका काम होगा, अपने आप प्रूव कर लेना उसे. तो लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, फिर मैं सवाल शुरू कर रही हूं, फिर मैं क्वेश्चंस कराती हूं आपको कुछ. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखे. अच्छा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी याद है कि मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू हमेशा किससे बड़ा या बराबर रहेगा? मॉडुलस जेड वन माइनस मॉडुलस जेड टू के मॉडुलस से. और किससे छोटा रहेगा? मॉडुलस जेड वन प्लस मॉडुलस जेड टू से. इक्वालिटी कब आती है यह हमें याद है. मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू अपनी मिनिमम वैल्यू तब लेता है जब ओ जेड वन जेड टू आर कोलिनियर एंड जेड वन जेड टू लाई ऑन सेम या ऑपोजिट. मैंने मिनिमम बोला है ना आपको. हाँ, मिनिमम के लिए क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स ओ जेड वन जेड टू कोलिनियर एंड जेड वन जेड टू लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ओरिजिन. वही मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है मॉडुलस जेड वन प्लस मॉडुलस जेड टू कब? जब ओ जेड वन जेड टू कोलिनियर होंगे एंड पर्टिकुलरली जेड वन जेड टू आर ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन. याद है ये बात? ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी मॉडुलस के लिखोगे. लिखे मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वेयर. मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वेयर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वेयर इज टू टाइम्स मॉडुलस ऑफ जेड वन स्क्वेयर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू स्क्वेयर. मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वेयर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वेयर इज टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन का स्क्वेयर प्लस मॉडुलस जेड टू का स्क्वेयर. ये बेसिकली क्या है? पैरेललोग्राम, मतलब वेक्टर के फॉर्म में इसे कंसिडर करके मैं इसे कंसिडर कर सकती हूँ. एक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, सपोज एक पैरेललोग्राम मुझे दिया गया जिसमें आपके पास दिस पॉइंट इज जेड वन, दिस इज ओरिजिन, ये जेड टू. क्या ये जेड वन प्लस जेड टू होगा? सही है. दिस वेक्टर इज जेड वन, दिस इज जेड टू, ये क्या होगा? जेड वन प्लस जेड टू. अच्छा, ये कितना होगा? जेड वन माइनस जेड टू. तो मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू का मतलब इस पैरेललोग्राम की एक साइड, मतलब एक डायगनल का लेंथ. मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू का इस पैरेललोग्राम के सेकेंड डायगनल का लेंथ. पैरेललोग्राम के डायगनल्स के लेंथ के स्क्वेयर का सम, दैट इज सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. इन दोनों साइड्स के स्क्वेयर का सम 2z1 स्क्वेयर, इन दोनों साइड्स के स्क्वेयर का सम 2 मॉडुलस z2 स्क्वेयर. ही तो लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब हम इसे विदाउट इंटरप्रेटिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये रिलेशन मैंने कंपेयर कर लिया किससे? एक पैरेललोग्राम से, जो ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की साइड्स के स्क्वेयर का सम उसी पैरेललोग्राम के डायगनल्स के स्क्वेयर के सम के बराबर होता है. किसी को दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? बाकी जहां तक इस प्रॉपर्टी के प्रूफ की बात है ना, अप्रोच हमेशा ये रहती है कि जहां मॉडुलस का स्क्वेयर दिखा आप उसे z इंटू जेड बार में बदलकर स्टार्ट करोगे. ठीक है, मॉडुलस क्रिएट करना है तो z को z बार से मल्टीप्लाई करेंगे, और मॉडुलस कहीं दिखाई दे रहा है स्क्वेयर करके तो आप उसे क्या लिखोगे? z इंटू जेड बार. यानी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आप अपना सवाल शुरू करोगे इस तरह कि z1 वन प्लस जेड टू मल्टीप्लाइड बाय z1 वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट, यही होता है ना मॉडुलस का स्क्वेयर, प्लस जेड वन माइनस जेड टू मल्टीप्लाइड बाय जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट. बट कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कहती है कि आप होल कॉन्जुगेट ना लेकर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ले लिया मैंने इंडिविजुअल कॉन्जुगेट, सॉल्व किया तो जेड वन बार मॉडुलस जेड वन स्क्वेयर बन गया. फिर वी हैव z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार एंड प्लस मॉडुलस z2 का स्क्वेयर. ये टर्म्स आ गए यहां तक. प्लस अब इसका प्रोडक्ट z1 बार मॉडुलस z1 स्क्वेयर प्लस मॉडुलस z2 स्क्वेयर
माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू. तो ऑब्वियसली ये टर्म्स तो सीधे सीधे कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है और एड करोगे तो राइट साइड का रिजल्ट तैयार. ठीक है, तो ये अप्रोच है इसके प्रूफ की, यानी दोनों तरीके से चेक कर लिया, ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट कर लिया और सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व करना है तो उससे भी हमने प्रूव कर लिया. यानी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मॉडुलस का स्क्वायर दिखाई दे तो zz बार लिखना है, और अगर आपको मॉडुलस क्रिएट करना है यानी एक रियल नंबर क्रिएट करना चाहते हो एक्सप्रेशन में तो नंबर को उसी के कॉन्जुगेट z बार से मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट वहां पर मॉडुलस क्वांटिटी दैट इज रियल नंबर तैयार हो जाएगी. बोले है किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है. तो अब मैं आपको पहला सवाल जो करवाऊंगी वो इनइक्वालिटी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पर बेस्ड होगा. वो क्वेश्चन हम पहले करेंगे, इसे नोट कर लो फिर सवाल लिखते हैं. लिखें क्वेश्चन. Find the greatest and the least value of find the greatest and the least value of modulus of z. Find the greatest and the least value of modulus of z if z satisfies z plus 1 upon z equals to 4. Find the greatest and the least value of modulus of z if z satisfies modulus of z plus 1 upon z is equals to 4. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर मुझे z की मॉडुलस की लीस्ट वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है. मॉडुलस z का ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर विच मॉड ऑफ z प्लस 1 अपॉन z इज 4. ठीक है, यानी क्वेश्चन ये चाहता है कि आपके पास मॉडुलस z के साथ कोई एक्सप्रेशन तैयार हो. ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में अगर मैं इसका नाम z1 और इसका नाम z2 रख देती हूं तो फिर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से क्या मैं ये लिख सकती हूं कि मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 अपॉन z विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z का मॉडुलस and less than or equals to modulus of z plus 1 upon modulus of z. बताओ भाई कोई दिक्कत? यानी कोई रिलेशन तो तैयार हुआ जिसमें मॉडुलस ऑफ z इन्वॉल्व हो रहा था. बस इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मैं मॉडुलस z का रेंज निकाल दूंगी पूरा. मॉडुलस z की रेंज अगर 3 टू 6 ओपन इंटरवल आ गई तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? 3 और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 6. यानी क्लोज इंटरवल जो भी आंसर आता है अकॉर्डिंगली हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे. बोलो कोई दिक्कत? तो ये अप्रोच है जिससे हम इसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लेकिन यूजिंग ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वी हैव दिस इनइक्वालिटी, ये लिख लो. यूजिंग द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वी हैव सही है. थोड़ी देर के लिए इस मॉडुलस z का नाम रख देते हैं r, सो दैट हमें बार बार मॉडुलस z ना लिखना पड़े. अच्छा, क्या इसकी वैल्यू फिक्स है? दिस इज ऑलवेज 4. तो फिर क्वेश्चन मेरे पास क्या बन गया कि नाउ वी हैव मॉडुलस ऑफ r माइनस 1 बाय r लेस देन आर इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल्स टू r प्लस 1 बाय r. है किसी को कंफ्यूजन? यानी ये तो सिंपल इनइक्वालिटी में बदल गया क्वेश्चन. सिंपल इनइक्वालिटी कैसे कि r इज अ प्योरली रियल नंबर, मॉडुलस क्वांटिटी आपने अज्यूम किया यानी दिस विल बी प्योरली रियल. अगर ये प्योरली रियल है तो जैसे अभी तक हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते आए एग्जैक्टली उसी तरीके से इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाएगा. ये दो इनइक्वालिटीज हैं a एंड b. a एंड b को इंडिविजुअली सॉल्व करके फाइनल आंसर a एंड b का इंटरसेक्शन कॉमन सोल्यूशन देना होगा. करें स्टार्ट a इनइक्वालिटी को सॉल्व करना. इनइक्वालिटी ए आपके पास है आर माइनस 1 बाय आर का मॉडुलस लेस देन आर इक्वल्स टू 4. क्या करोगे आप? इसे सीधे लिखोगे कि आर माइनस 1 बाय आर
will be greater than or equals to minus 4, less than or equals to 4. किसी को दिक्कत? LCM लेकर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. R is purely real and positive quantity. क्या R positive होगा? बिल्कुल, जैसे मैंने modulus quantity assume किया है वो cannot be negative. Zero या positive होता है. R positive यानी cross multiplication में कोई दिक्कत नहीं है. इसे लिखा minus 4R less than or equals to R square minus 1 less than or equals to 4R. ठीक, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. इसका नाम 1 रख लिया. ये लिखा हुआ है आर स्क्वेयर प्लस 4R माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इसका नाम रख लिया 2. आर स्क्वेयर माइनस 4R माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. क्या हम इन इक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं? ऑल्दो इसके फैक्टर्स बहुत बेकार आएंगे, इरेशनल फॉर्म में आएंगे, बट क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो हम सॉल्व करते हैं. इसके रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2. यानी रूट्स के नाम पर माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 5. इसे लिखा आर माइनस माइनस 2 प्लस रूट 5 एक रूट. सेकेंड फैक्टर आर माइनस माइनस 2 माइनस रूट 5, ये रहा सेकेंड रूट. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, अब तो एंड करके यानी कॉमन आंसर निकालना है, तो इसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार. इसको फैक्टराइज करते हैं तो बनता है माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यानी वही ऑलमोस्ट रूट्स हैं, बस यहां पे प्लस साइन आ गया. इसे फैक्टराइज करोगे तो बनेगा आर माइनस 2 प्लस रूट 5 एंड देन वी हैव द सेकेंड फैक्टर आर माइनस 2 माइनस रूट 5 लेस देन और इक्वल्स टू 0. ये इनइक्वालिटी 1 एंड 2 को सॉल्व किया है मैंने, बट दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है. तो कॉमन सोल्यूशन, यूनियन तो नहीं ले रहे ना आप इसका, कॉमन सोल्यूशन लेना है हमें. एंड है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन. ये इनइक्वालिटी एंड ये इनइक्वालिटी जब साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगी तो मुझे आंसर मिलेगा. दैट इज 1 इंटरसेक्शन 2 मुझे लेना है. तो 1 इंटरसेक्शन 2 के लिए अब मैं इसे एक के नीचे एक ट्रेस करने जा रही हूं. फर्स्ट इनइक्वालिटी को मैंने ट्रेस करना शुरू किया. बताइए इनइक्वालिटी 1 का आंसर क्या आया? माइनस 2 प्लस रूट 5 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉइंट समथिंग में कुछ आंसर आ रहा होगा, ठीक है. एंड दिस इज माइनस 2 माइनस रूट 5. इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, इट इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. यानी आंसर आइदर साइड से गिवन टू वैल्यूज के. ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर था. अब मैं सेकेंड इनइक्वालिटी का आंसर ट्रेस कर रही हूं, बट उसके लिए फिर मुझे आपकी हेल्प चाहिए. अब मुझे बताइए 2 प्लस रूट 5 तो अंडरस्टूड है कि इट इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी कंपेयर टू दिस. ये आपके पास कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग के आसपास कुछ होगा, है ना. ये रहा 2 प्लस रूट 5, बट सेकेंड वैल्यू 2 माइनस रूट 5 विल बी नेगेटिव माइनस 0 पॉइंट समथिंग. माइनस 0 पॉइंट समथिंग यानी यहां कहीं ट्रेस कर दूं मैं इसे. दिस विल बी 2 माइनस रूट ओवर 5. इनइक्वालिटी 2, मेरे पास इनइक्वालिटी का सिंबल लेस देन इक्वल्स टू 0 है. यानी आंसर इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रही. कोई प्रॉब्लम? यानी 1 इंटरसेक्शन 2, क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या रहा है? ये रहा, ये है ना कॉमन सोल्यूशन. ठीक है, ये कॉमन सोल्यूशन मुझे दोनों का मिल गया. तो मैंने लिखा यहां से कि दिस इंप्लाइज हम x की r की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. R belongs to closed माइनस 2 प्लस रूट 5 से लेकर 2 प्लस रूट 5. बट ये कौन सी इनइक्वालिटी का आंसर है? A. ठीक है, जो बड़ी इनइक्वालिटी थी वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है. किसी को दिक्कत? क्या सिमिलरली अब हम इनइक्वालिटी B सॉल्व कर सकते हैं? इनइक्वालिटी B को भी सॉल्व करोगे सिमिलरली? तो अब वो मैं नहीं सॉल्व करूंगी, वो आपका काम है. ठीक है, सिमिलरली सॉल्व इनइक्वालिटी B. बट फाइनल आंसर ए एंड बी का क्या करें? इंटरसेक्शन. तो फाइनली आप ए एंड बी को सॉल्व करके ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे. लोगे ए और बी का इंटरसेक्शन? जैसे ही आप ए एंड बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो मेरे पास पक्का होना चाहिए लिखा. आर की फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी
आर की जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो आपके पास आती है आर बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल रूट फाइव माइनस टू से लेकर टू माइनस रूट थ्री यूनियन टू प्लस रूट थ्री से लेकर टू प्लस रूट फाइव. ठीक है, एक आंसर यही है. देखो इसी में बी और ए दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेते हो तो ये आपको कॉमन सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है, कर लेंगे बी को सॉल्व. बी इनइक्वालिटी अब खुद भी कुछ सॉल्व करो. दो इनइक्वालिटीज मैंने आपको सॉल्व करके दी. ठीक है, तो फाइनल आंसर मैंने बता दिया है. सॉल्व करके जरूर देखेंगे क्योंकि इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि हर इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस मैं ही कर रही हूं. ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है. तो एक इनइक्वालिटी बी आप सॉल्व करिएगा. दोनों का इंटरसेक्शन मैंने आपको आंसर दे दिया है, बट आंसर मैंने आर का इंटरवल लिखवाया है. क्या आप प्रॉपर आंसर बता सकते हो क्या है क्वेश्चन का आंसर क्या है? लीस्ट वैल्यू ऑफ आर रूट फाइव माइनस टू एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर विल बी टू प्लस रूट फाइव. बोलिए किसी को दिक्कत? कर लेंगे कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम? तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था. मॉडुलस जेड की मैक्सिमम मिनिमम के लिए मॉडुलस जेड क्रिएट करना था और क्रिएट करने का हमारे पास इनइक्वालिटी, दैट इज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वाला अप्रोच था. कोई भी डाउट? सही है, ठीक है. लिखें अगला सवाल. ठीक है, लिख लीजिए. कितने लोग लिख रहे हैं अभी? बस लिखो, तो शांति से तो बैठ जा कम से कम. इफ एबीसी बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वेश्चन इज इफ एबीसी स्मॉल लेटर्स आप यूज करोगे. इफ एबीसी बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ एबीसी बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स with modulus of a is equals to modulus of b is equals to modulus of c. If a b c be distinct non-zero complex numbers with modulus a is equals to modulus b is equals to modulus c, then prove that if a root of the equation then prove that if a root of the equation az square plus bz plus c equals to 0 prove that if a root of the equation az square plus bz plus c equals to 0 has modulus 1 if a root of the equation az square plus bz plus c equals to 0 has modulus 1 say modulus of z1 equals to 1. Say modulus of z1 equals to 1. If one of the roots of this equation is z1 and its modulus is 1, then achha 1 likh lo na tum, ye lo likhna nahi aata. B square is equals to AC. Then prove that B square is equals to AC. मैं क्वेश्चन एक बार पूरा रिपीट कर रही हूं, आप वापस से अच्छे से क्वेश्चन चेक कर लीजिए. द स्मॉल एबीसी बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी इक्वल प्रूव दैट इफ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन से जेड वन हैज मॉडुलस वन देन बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए सी. तो मुझे प्रूव करना है कि बी स्क्वेयर का वैल्यू किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज प्रूव करनी है ना वहीं से हम अपनी डायरेक्शन क्वेश्चन की खोजते जाएंगे. स्टार्ट ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं वहीं से करूंगी. इन्होंने कहा है कि ये जो तीनों नंबर्स है ना दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, अदरवाइज दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है कोई भी. ठीक है, सबसे पहले az स्क्वेयर bz प्लस सी, कितने रूट्स होंगे इस इक्वेशन के? There will be two roots of this equation जिसका नाम मैंने z1 और z2 रख लिया. z1 z2 में से एक रूट का मॉडुलस इज 1, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है. बट उससे पहले क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स पता है तो हम उसका सम एंड प्रोडक्ट लिख रहे हैं. उसके लिए सेम फॉर्मूला चलता है जो हमने सिंपल क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रखा है. ठीक है, तो मैंने कहा फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव z1 z2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
is equals to c by a, while sum of the roots z1 plus z2 is minus b by a. कोई confusion? सबसे पहले मैं इस relation पर जाती हूँ. अगर left और right equal है यानी corresponding modulus values equal होंगी इनकी. लेकिन since z1 z2 is c upon a, implies modulus of z1 z2 will be modulus of c by a. मॉडुलस सी बाय ए का मतलब मॉडुलस सी बाय मॉडुलस ए. कोई दिक्कत? बट मॉडुलस सी और मॉडुलस ए आर इक्वल. अगर ये इक्वल इसका मतलब ये प्रोडक्ट कितना आ गया? वन. लेफ्ट हैंड साइड मॉडुलस जेड वन जेड टू का मतलब मैं लिख सकती हूँ मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू एंड दिस इज इक्वल्स टू वन. क्या इंटरप्रेट कर सकते हो यहां से? कि जेड वन और जेड टू दोनों ही रूट्स का मॉडुलस इज वन. Since modulus z1 is 1, this implies modulus of z2 will also be 1. But एक बार मैंने आपको बहुत बार बोली है कि जब भी सवाल में ये आ जाता है ना कि modulus of सम नंबर इज 1, यानी पक्का क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होगी कि z1 z1 बार इज modulus z का स्क्वेयर. और इस क्वेश्चन में भी मैं उसे यूटिलाइज करूंगी. कहां जरूरत पड़ेगी वो हम चेक कर लेंगे. बट जैसे ही आपने ये modulus वैल्यूज 1 लिखी ना, यहीं पर स्टेट कर दो कि दिस इंप्लाइज z1 बार विल बी 1 एंड z2 बार विल बी 1. जहां जरूरत पड़ती है मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर लूंगी. ठीक है, चेक करो कोई दिक्कत. चलो बस, अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac. b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? b तो सम ऑफ द रूट्स में ही नजर आ रहा है और c प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में नजर आ रहा है. यानी क्वेश्चन बी स्क्वायर क्रिएट करने के लिए मुझे z1 प्लस z2 का स्क्वेयर तो करना पड़ेगा. बट सीधे स्क्वेयर करने से बेटर है कि आप इसके मॉडुलस का स्क्वेयर से शुरू करो. ठीक है, तो मैंने z1 z2 का मॉडुलस लेकर जो प्रॉपर्टी या जो रिलेशन डिराइव करना था वो कर लिया. अब मैं z1 प्लस z2 पर जा रही हूं और इसके मॉडुलस का स्क्वेयर कर रही हूं. देखिए अगेन z1 प्लस z2 इज माइनस बी अपॉन ए, z1 प्लस z2 इज माइनस बी अपॉन ए. Implies modulus z1 plus z2 will be modulus b upon modulus a. कितना आ गया ये? 1. Again this quantity is 1. ये 1 आ गया, but 1 आने का मतलब b तो गायब ही हो गया. b को गायब करने के लिए अब मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगी. गायब क्या मतलब? वापस क्रिएट करने के लिए स्क्वेयर बोथ द साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट साइड वन ही रहेगा, बट जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वेयर. क्या हम मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू के होल स्क्वेयर को नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं? सही है, नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट इज वन. नंबर इंटू कॉन्जुगेट वन का मतलब अब मुझे जेड वन बार और जेड टू बार के लिए ये रिलेशन यूज करना है. ठीक है, हमने z1 बार 1 लिखा था ना, यहाँ पे z1 बार z2 बार क्रिएट हो गया है. मैं z1 बार को रिप्लेस करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. और क्या लिखोगे? 1 अपॉन z1 1 अपॉन z2 लिख देते हैं. देखते हैं क्या रिलेशन तैयार होता है. दिस विल बी z1 प्लस z2. ये रिलेशन बना 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2. देखो इतना तो तय है कि बी स्क्वेयर अपने आप नहीं क्रिएट होगा, उसे क्रिएट करने के लिए मुझे z1 प्लस z2 का होल स्क्वेयर करना ही पड़ेगा. ठीक है, z बार और z2 बार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इन कॉन्जुगेट्स को एलिमिनेट करके ये वाली फॉर्म क्रिएट कर ली. इस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद बस अब मैं जरा एलसीएम लेकर इसे लिख देती हूँ. इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लोगे तो क्या लिखा है? z1 प्लस z2 एंड दिस इज z1 प्लस z2 अपॉन z1 z2, दिस इज इक्वल्स टू 1. हाँ बताओ, किसी को दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? क्या आपको एक्सप्रेशन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है? z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर भी आ गया एंड z1 z2 भी आ गया. ठीक है, z1 प्लस z2 के होल स्क्वायर में b स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा एंड प्रोडक्ट z1 z2 में c क्रिएट हो जाएगा. तो चलो अब हम इन वैल्यूज को क्रिएट करते हैं, यानी प्रॉपरली अब लिख लेते हैं. ये मिल गया z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज प्रोडक्ट z1 z2, दैट इज माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर एंड राइट साइड इज c अपॉन a. That is b square will be equals to ac.
product b square, sorry, b square will be equals to a into c. अब आप एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लो. क्वेश्चन में इन्होंने मॉडुलस z1 को 1 दिया था, जिसकी हेल्प से मैंने मॉडुलस z2 यानी सेकेंड रूट का भी मॉडुलस फाइंड कर लिया. जैसे ही मॉडुलस ऑफ सम नंबर 1 या 2 या 3 जो भी दिया है ना, वहीं पे आप स्टेट कर दिया करो कि z1 z1 बार इज मॉडुलस z का स्क्वायर. पक्का यूज होती है प्रॉपर्टी, जैसे इसमें भी मैंने यूज की. ठीक है, ये रिजल्ट्स लिख कर रखे. बाकी क्वेश्चन से हिंट मिल रहा था कि बी स्क्वायर क्रिएट करने के लिए z1 प्लस z2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बट सीधे अगर आप स्क्वेयरिंग करते ना तो बीच में ही उलझ कर रह जाते. क्यों? क्योंकि स्क्वेयरिंग करने के बाद अब क्या करें, z1 स्क्वायर पता ही नहीं है क्या किससे रिप्लेस करना है. ठीक है, तो इसलिए पहले मॉडुलस लिया. मॉडुलस के रास्ते से वापस आप z1 प्लस z2 के होल स्क्वायर को क्रिएट कर रहे हो, और क्रिएट करने के बाद तो लास्ट स्टेप था, आपने सामने प्रोडक्ट का वैल्यू रखा है और आंसर निकाल दिया. अब आप क्वेश्चन एक बार आराम से अच्छे से चेक कर लो और बता दो कोई दिक्कत है, नहीं तो फिर मैं अगला सवाल लिखवाती हूँ. किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? लिखे अगला सवाल. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला सवाल. इफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, कर दूं मैं इसे अब पे? ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे इफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, इफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन 1 माइनस z1 बार z2 इज लेस देन 1, इज लेस देन 1, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट मॉडुलस z1 इज लेस देन 1 एंड मॉडुलस z2 इज लेस देन 1, और मॉडुलस z1 इज ग्रेटर देन 1 and modulus z2 is greater than 1. ठीक है, if this is less than 1 then prove that या तो पहला result आएगा या फिर second result आएगा. if modulus of some quantity is less than 1 then या तो first result hold करेगा या फिर second result hold करेगा. ये relation मुझे prove करना है. ठीक है, करें start solve करना. solve करने के लिए question initially एक बहुत बड़े expression के modulus से शुरू हो रहा है, मगर खत्म हो रहा है इंडिविजुअल टर्म्स के मॉडुलस पर. सॉल्व करने का तरीका, इस मॉडुलस की वैल्यू 1 से छोटी है तो मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगी. स्क्वेयरिंग इसलिए सो दैट मॉडुलस का स्क्वेयर लिखा जा सकेगा z into z bar. ठीक है, z into z bar से मतलब जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसका कॉन्जुगेट. स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. अगर दोनों साइड्स का स्क्वेयर करते हो तो राइट साइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए इनइक्वालिटी को भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट हाँ, लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस साइन गायब किया जा सकता है. मैं इस मॉडुलस के स्क्वायर को अब लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रही हूं z1 माइनस z2 अपॉन 1 माइनस z1 बार z2 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार माइनस z2 बार अपॉन 1 माइनस z1 z2 बार. बताओ मैंने ठीक लिखा है क्या कॉन्जुगेट? ठीक है, मैंने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लिया साथ साथ, कोई भी दिक्कत नहीं है. दिस इज लेस देन 1. डिनोमिनेटर के फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है क्या कोई? बिल्कुल नहीं, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. z इंटू जेड बार मॉडुलस z का स्क्वायर होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर का प्रोडक्ट लेना शुरू किया, z1 बार माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 प्लस z2 बार. ठीक है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है? राइट साइड 1 माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 प्लस z1 बार इंटू z2 बार. बताइए जरा ठीक लिखा मैंने? कोई प्रॉब्लम? सही है यहां तक? कुछ टर्म्स कैंसिल हुई लेफ्ट और राइट? ये टर्म्स कैंसिल, बाकी सारी टर्म्स उठाकर एक तरफ क्लिक कर देते हैं. सभी टर्म्स को उठाकर राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं पर भी ट्रांसफर कर दो,
राइट साइड ट्रांसफर कर दिया. 1 माइनस मॉडुलस जेड वन स्क्वेयर माइनस मॉडुलस जेड टू स्क्वेयर प्लस मॉडुलस जेड वन स्क्वेयर मॉडुलस जेड टू स्क्वेयर ग्रेटर दैन जीरो. ठीक है, साइड टर्म्स एक तरफ ट्रांसफर करके ये वाली फॉर्म क्रिएट कर लिए. कोई रकत? हाँ बोल. न्यूमरेटर का प्रोडक्ट कैसे रखा? जेड वन इंटू जेड वन बार. ट्रांसफर कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव क्वांटिटी में, कोई दिक्कत नहीं. जेड इंटू जेड बार ही तो लिखा है तूने, स्क्वेयरिंग ही तो किया था. स्क्वेयरिंग किया था तो डिनोमिनेटर विल बी स्क्वेयर क्वांटिटी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर. और बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, क्या ये अब जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है फैक्टराइज हो रहा है? अगर आप इसके फैक्टर्स बनाते हो तो चेक करो क्या फैक्टर्स 1 माइनस मॉडुलस जेड वन का स्क्वेयर जो 1 माइनस मॉडुलस जेड टू का स्क्वेयर यही बनेगा. ठीक है, और ये फैक्टराइज हो जाएगा. फर्दर फैक्टराइज होकर ये बनता है 1 प्लस मॉडुलस जेड वन इंटू 1 माइनस मॉडुलस जेड वन अगेन 1 माइनस मॉडुलस जेड टू इंटू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू ग्रेटर दैन जीरो. कोई प्रॉब्लम? अब ये सिंपल क्वेश्चन है. चार फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहते हो आप, जिनमें से लास्ट फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पहला फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इसका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा. तो फिर साइन कौन डिसाइड करेंगे? ये दो फैक्टर्स. आप चाहते हो कि पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, तो पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव लाने के लिए अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव. इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब या तो दोनों फैक्टर्स एक साथ पॉजिटिव होंगे और या दोनों एक साथ नेगेटिव. यानी आगे अब आंसर आ चुका है, क्या चेक करो. प्रूव दैट क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आइदर मॉडुलस जेड वन इज ग्रेटर देन वन एंड मॉडुलस जेड टू इज ग्रेटर देन वन, या तो दोनों ही वन से बड़े हो या फिर दोनों ही वन से छोटे हो. इन दो सिचुएशन में दोनों फैक्टर्स सेम साइन के रहेंगे, यानी प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. अब आप चेक करो और बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ ये है कि बाकी सब तो कैलकुलेशन कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मॉडुलस दिख गया तो मॉडुलस का स्क्वेयर करना है. मॉडुलस का वैल्यू एग्जैक्ट आपके पास कुछ वन या टू दिया गया है तो भी हमें स्क्वेयर करना है. इससे पहले सवालों में मैं आपको जेड इन टू जेड टू बार या जेड वन बार वन लिखवा रही थी, वो बेसिकली क्या है? स्क्वेयरिंग ही तो है. तो सवाल में जहां मॉडुलस इन्वॉल्व हो गया ना, हम मॉडुलस का स्क्वेयर करके जो स्टेप लिखते हैं बस उसी से आगे क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा होता है. ठीक है, तो मॉडुलस क्वेश्चन में दिख गया तो जेड इन टू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वेयर पक्का क्वेश्चन में यूटिलाइज होगा. किसी को भी दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड. आर्ग्यूमेंट की भी वही प्रॉपर्टीज होती है. हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड. प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड. क्वेश्चन नोट कर रहे हो अभी? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं. फिर हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड. क्या कह रहा है ये? लास्ट क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है? हाँ बोल. अब क्लास के बाद पूछ लेना इस क्वेश्चन का डाउट. ठीक है, अब आधा तो रब हुआ, क्या पूछेगा? जस्ट क्लास के बाद पूछ लेना. ठीक है, प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज है जो लॉक की प्रॉपर्टीज होती है. एग्जैक्ट लॉक की तरह एम्पलीट्यूड की भी प्रॉपर्टीज हम लिखते जाएंगे. वही प्रोडक्ट और क्वोशेंट वाली प्रॉपर्टीज और एक एक्सपोनेंशियल टर्म वाली प्रॉपर्टी, वो तीन प्रॉपर्टीज मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी. और क्योंकि एम्पलीट्यूड फाइंड करना है इसलिए हम अपने जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में आंसर को लिख रहे होंगे. कैसे करें स्टार्ट? लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड में फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, पहली प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन जेड टू. एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू एन प्लस, अब बोलो 2n पाई. बट ये 2n पाई का क्या मतलब हुआ? ये 2n पाई सिर्फ इस काम आता है कि जो टोटल आंसर मुझे निकालना है ना वो माइनस पाई से पाई के बीच में रहना चाहिए. आखिर हमें एम्पलीट्यूड आंसर करना है,
2n पाई का रोल सिर्फ इतना है कि इनके एम्पलीट्यूड ऑफ z1 एंड z2 को ऐड करने पर आंसर एम्पलीट्यूड की रेंज को क्रॉस करके चला गया है, तो 2n पाई उसे वापस एडजस्ट कर देगा। किसी को दिक्कत? सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड के बाद ही थर्ड लिखवा सकती हूँ, इसलिए फ्लो चुप जाओ। एम्पलीट्यूड ऑफ z1 अपॉन z2, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 अपॉन z2। हाँ बोलो क्या लिखोगे? एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, साथ में क्या लिखें? अगेन 2n पाई का काम सिर्फ इतना है कि आंसर को माइनस पाई से पाई के बीच में लेकर आएगा, ठीक है। बाकी हम इन जनरल 2n पाई नहीं लिखते हैं, एम्पलीट्यूड में ही आपको भी पता है। 2n पाई इन जनरल किसमें यूज होगा? फॉर आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो तो जनरल सोल्यूशन, एम्पलीट्यूड पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। रेंज क्या होती है एम्पलीट्यूड की बताओ? माइनस पाई से पाई, पाई क्लोज, माइनस पाई ओपन। थर्ड रिजल्ट देखो, ये क्या है? तो तुमने आंसर कहाँ बताया मुझे? एम्पलीट्यूड ऑफ, लिखो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 वन रेज टू द पावर n, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 वन होल पावर n। क्या करें? n सामने ट्रांसफर कर दो लॉक की तरह, ये आ जाएगा n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z1 वन प्लस 2n पर। किसी को दिक्कत? जितनी प्रॉपर्टीज हैं इन सबका प्रूफ आप किससे लोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करके प्रूव कर सकते हो। होमवर्क पहले लिख लो फिर जाना। सीपीएस 2 लेकर आओगे और 3D की सेकेंड एंड फोर्थ एक्सरसाइज का लेवल 2 लेकर आओगे।